एक बहुत बड़े जंगल में बहुत किस्म के परिंदे रहते थे। वहीं पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम रंगीली चिड़िया था। रंगीली चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो अकेली रहती थी और सारा दिन मेहनत करती और अपने लिए दाना इकट्ठा करती थी। चिड़िया के पास थोड़ी दूरी वाले एक बड़े से पेड़ पर चील रहता था। चील बहुत आराम पसंद और निकम्मा था। वो कोई काम नहीं करता था और सारा दिन सोया ही रहता था। एक दिन चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए घर से दूर गई और बारिश होने लग गई। चिड़िया एक पेड़ में छुप कर बैठ गई। बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे पहले पता होता तो मैं आज घर ही रुक जाती। अगर बारिश ना रुकी तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। वहीं पर मिट्टू तोता भी बारिश में भीग रहा था। अरे तोते भैया, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? अगर बारिश से बचना है तो यहाँ आ जाओ। तोते ने चिड़िया को देखा तो उसके पास चला गया। तोते भैया, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, मैं खाना ढूंढ रहा था और पता ही नहीं चला इतनी तेज बारिश होने लग गई। मैं अब अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने घर जा रही थी लेकिन बारिश में मुझसे उड़ा नहीं जा रहा था। तब मुझे ये जगह नजर आई तो मैं यहाँ आकर रुक गई। मेरा घर बहुत दूर है, मैं जा रहा हूँ। तोते भैया, थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है बारिश रुक जाए, फिर चले जाना। मेरा घर भी बहुत दूर है, मैं भी बारिश रुकने तक यहाँ ही रहूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं कुछ देर और रुक जाता हूँ। चील भी बारिश में भीग रहा था। तेज बारिश की वजह से उसका घोंसला भी टूट चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी चील की नज़र रंगीली चिड़िया के घर पर पड़ी तो चील जल्दी से उड़ा और चिड़िया के घर की तरफ चला गया। अरे वाह, ये चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो बारिश का पानी भी नहीं आता। चील ने देखा कि रंगीली चिड़िया का घर में कोई नहीं, फिर वो जल्दी से अंदर चला गया। फिर चील ने देखा कि रंगीली चिड़िया के घर पर खाने के लिए दाना भी है जो चिड़िया ने अपने लिए जमा किया था। चील खाना देखकर बहुत खुश हुआ। फिर भूखा चील रंगीली चिड़िया के खाने पर टूट पड़ा और उसका खाना खाने लगा। चिड़िया देखो, बारिश रुक गई है, अब हमें जाना चाहिए। हाँ तोते भैया, मैंने बहुत दूर जाना है, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। चिड़िया तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे यहाँ ना रोकती तो मैं बारिश में ही बह जाता। कोई बात नहीं, हमें जाना चाहिए। जब बारिश रुक गई तो चिड़िया अपने घर की तरफ आ रही थी। बहुत तेज बारिश हुई है और अब ठंडी हवा भी चल रही है। मैं तो पहले घर जाकर गर्म बिस्तर पर बैठूंगी तो आराम मिलेगा। रंगीली चिड़िया बारिश में भीग चुकी थी और उसे ठंड लग रही थी तो वो जल्दी अपने घर जाना चाहती थी। चिड़िया जब अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर में चील घुसा हुआ है। तो रंगीली चिड़िया चील को देखकर परेशान हो गई। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। चिड़िया मुझे पता है ये तुम्हारा घर है, बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है। मैं बारिश में भीग रहा था तो मैं तुमसे मदद मांगने आया था, पर तुम घर पे नहीं थी इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करने लग गया। अच्छा, अब बारिश रुक गई है, अब तुम यहाँ से जाओ। चिड़िया मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर तो टूट गया है, मेरी मदद करो। तुम मुझे आज की रात यहाँ ही रहने दो, मैं कल को अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। तुम जानते हो कि मेरा घर छोटा है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? चील देखो, तुम सो जाओ, आज मैं बाहर ही सो जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना और अपना घोंसला बनाना शुरू कर देना। ठीक है, मैं सुबह ही चला जाऊंगा। रात हो गई तो रंगीली चिड़िया अपने घर के बाहर ही सो गई। चील चिड़िया के घर के अंदर सो गया। फिर रंगीली चिड़िया अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए चली गई। हा, ये चिड़िया तो बहुत बेवकूफ निकली। देखो, इतना सारा खाना जमा किया हुआ है और फिर भी खाने की तलाश में घूम रही है। चिड़िया खाने की तलाश में बहुत दूर चली गई। जब चिड़िया लौट कर वापस आ रही थी तो रास्ते में आंधी चलना शुरू हो गई। ये रोज रोज बारिश और आंधी आ जाती है, अब मैं क्या करूं? तेज आंधी से रंगीली चिड़िया एक पेड़ में टकरा गई। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई और वो बेहोश हो गई। आंधी रुकी तो चिड़िया को होश आया लेकिन रंगीली चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी उसे चींटियों की रानी ने देखा तो उसके पास आ गई। चिड़िया क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी है? मैं आंधी की वजह से पेड़ से मैं तुम्हारी मदद कर देती, तुम्हें गहरी चोट आई है। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं चींटियों की रानी हूँ। मेरा काफला दाने की तलाश में गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें देखने निकली लेकिन तुम मुझे नजर आ गई। फिर रानी चींटी ने रंगीली चिड़िया की चोट वाली जगह पर आराम देने वाली जड़ी बूटी लगा दी। रानी जी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये मेरा फर्ज है।
हम जंगल वापस एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर चिंटी रानी ने रंगीली चिड़िया को खाना दिया। चिड़िया ने खाना खाया। रानी जी आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कभी मेरी मदद चाहिए तो मुझे याद करना, मैं उड़ती रही आऊंगी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुमने कभी मुझसे हो तो इस पेड़ पर आके बैठ जाना, मेरा घर इस पेड़ के अंदर है। मैं अब कुछ ठीक हूँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। ठीक कहा, ध्यान से जाना। फिर रंगीली चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ चले गई। जब रंगीली चिड़िया अपने घर वापस आई तो चील को देखकर बहुत परेशान हो गई। चील भैया, क्या तुमने अपना घर बनाना शुरू किया है? चिड़िया मैं घर कैसे बनाता, मुझसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा, मेरे पर दर्द कर रहे हैं। मैं कल को पक्का यहाँ से चला जाऊंगा। चील आज तुम अपना घर बनाना शुरू कर देना, मैं अब बाहर नहीं सो सकती, तुम्हें अपना घर बनाना चाहिए। ठीक है, मैं आज से ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। आज मैं ठीक हूँ, मेरे परों में दर्द भी खत्म हो गया है। अगले दिन चिड़िया उठी और खाना लाने के लिए चली गई। चील चिड़िया के घर में मजे से बैठ गया। चिड़िया ने तो बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, मैं भला यहाँ से क्यों जाऊंगा। उसी दिन चील की पत्नी मादा चील भी अपने मैके से वापस आ गई। अरे हमारा घोंसला कहाँ है, और पता नहीं मेरा पति चील कहाँ गया है। फिर मादा चील अपने पति चील को ढूंढते हुए चिड़िया के घर तक पहुँच गई। अरे चिली, तुम कब आई हो? मैं अभी आई हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम चिड़िया के घर में क्या कर रहे हो? हमारा घर बारिश में टूट गया था, तो मैं अब चिड़िया के साथ रह रहा हूँ। अरे तुम एक चिड़िया के साथ कैसे रह सकते हो? मैं उस मनहूस चिड़िया को छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे पति पर डोरे डाले और उसे मुझसे छीनने की कोशिश की है। छोड़ो, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, वो मेरी मदद कर रही है। अच्छा तो यहाँ कुछ खाने को है तो बताओ, मैं बहुत लंबा सफर करके आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अरे यहाँ पर चिड़िया ने बहुत सारा खाना जमा किया हुआ है, मैं यहाँ से ही खाता हूँ, और उस चिड़िया को पता भी नहीं चलता कि मैं उसका खाना खा रहा हूँ। वैसे चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आता। हमें अपना घर बनाना होगा, चिड़िया ने मुझे आज घर छोड़ने को कह दिया है। तुम्हें याद है इस पेड़ पर पहले हमारा घोंसला हुआ करता था, इसलिए ये पेड़ हमारा है, और इस तरह यहाँ पर बना हुआ घर भी हमारा हुआ। रंगीली चिड़िया शाम को वापस अपने घर आई। जब चिड़िया अपने घर वापस आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। चील भैया दरवाजा खोलो, मैंने अंदर आना है। चिड़िया क्या चाहिए बताओ, क्यों शोर मचा रही हो? मैं अपने घर आना चाहती हूँ, तुम लोगों ने दरवाजा क्यों लगा रखा है? तुम्हारा घर कौन सा है, ये तो हमारा घर है। क्यों चील जी? चिड़िया देखो, पहले इस पेड़ पर हमारा घोंसला हुआ करता था, इसलिए ये पेड़ हमारा है, और इस पर हर चीज हमारी है, ये घर भी हमारा हुआ। तुम एक काम करो, तुम जाकर सामने वाले पेड़ पर अपना घर बना लो। अरे तुम लोग धोखेबाज हो, तुम लोगों ने मेरा घर छीन लिया है, तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिले। फिर से बारिश होने लग गई। रंगीली चिड़िया के पास घर नहीं था, उसका सारा खाना भी छीन गया था। वो रोते हुए अपनी दोस्त चींटी रानी के पास चले गई और उसके पेड़ पर बैठ गई जहाँ चींटी रानी का घर था। चिड़िया क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? रानी जी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा घर छीन लिया है, चील ने मेरा घर पे कब्जा कर लिया है, उसमें मैंने खाना जमा किया हुआ था, वो भी उन्होंने छीन लिया है। बहुत बुरा हुआ, वो जालम चील भरोसे के लायक ही नहीं, वैसे भी जो अच्छा होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम रहम दिल हो, तुमने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही किया है, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, इसमें भी कुदरत का ही कोई राज होगा जो तुम्हें वो घर छोड़ना पड़ा। रानी जी तुम ठीक कहती हो सकता है इसमें कुदरत का ही कोई राज हो जो हम समझ नहीं पा रहे। चिड़िया हमारे पेड़ पर एक जगह है, तुम उसमें रहकर देखो, अगर अच्छी लगी तो तुम्हें घर बनाने की कोई फिक्र नहीं। फिर चिंटी रानी रंगीली चिड़िया को लेकर अपने वाले पेड़ पर एक बड़े सुराख में गई। रंगीली ये देखो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, यहाँ किसी चीज का खतरा नहीं और ना ही बारिश में टूटने का। चिंटी रानी ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर ही रहूंगी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब हम दोनों एक ही पेड़ पर रहेंगे, इस पेड़ में मेरा भी घर है। रंगीली चिड़िया को वो जगह अच्छी लगी और वो चिंटी रानी वाले पेड़ पे रहने लग गई। फिर एक रात बहुत तेज बारिश हुई, हर तरफ पानी इकट्ठा हो गया। अरे सुनती हो, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, जरा देखो तो। हाँ बहुत बारिश हो रही है,
अगर हम अपना घोंसले में होते तो हमारा क्या हाल होता। तुमने अच्छा किया जो चिड़िया से ये घर हथिया लिया, वरना आज तो हम बारिश में ही बह जाते। वो चिड़िया पता नहीं कहाँ गई होगी, अगर उसे रहने को घर ना मिला तो वो इस बारिश में मर जाएगी। चील और मादा चील मजे से बारिश का नजारा कर रहे थे कि अचानक वो घर टूट गया और वो पानी में बह गया। तेज बारिश की वजह से चिंटी रानी के घर में पानी जा रहा था, तो चिड़िया ने पेड़ के पत्ते चिंटी रानी के घर के सुराख पर रख दिए और पानी को चिंटी रानी के घर जाने से रोक दिया। रंगीली चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम रात की बारिश का पानी ना रोकती तो हमारा सारा घर पानी से भर जाता और हमारे अंडे और बच्चे भी डूब जाते। चिंटी रानी, तुमने मेरी मदद की और उसी तरह मैंने तुम्हारी मदद कर दी। इस तरह दोस्त दोस्त की मदद कर सकता है। अगली सुबह चील और उसकी पत्नी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। हम बच गए, अगर हमें पेड़ का सहारा ना मिलता तो हम पानी में बह जाते। हाँ, हम बच तो गए हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, ना घर ना खाना, अब हम क्या करेंगे। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, हम चिड़िया को ढूंढते हैं। देखो, हम चिड़िया को ढूंढेंगे। हम अब चिड़िया को क्यों ढूंढेंगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। और देखेंगे कि वो अब कहाँ रह रही है, अगर उसने फिर से कोई मजबूत घर बनाया होगा तो हम उसे छीन लेंगे। हा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत शैतानी है, चलो ढूंढे चिड़िया को। फिर चील और मादा चील रंगीली चिड़िया को ढूंढने लग गए। उन्होंने रंगीली चिड़िया को देखा तो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए। अच्छा, तो ये चिड़िया यहाँ रहती है। ये घर तो बहुत मजबूत है, अगर हम ये घर ले लें तो हमें कभी घर बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, देखो उसमें बारिश का पानी भी नहीं जाएगा। तो फिर चलो आओ चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। फिर चील और मादा चील चिड़िया के पास गए। चिड़िया, कैसी हो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है। तुम्हें इससे क्या, और तुम यहाँ किस लिए आए हो। चिड़िया देखो, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें कुछ ना कहें तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और वापस कभी ना आना। तुम लोगों ने पहले भी मेरा घर छीन लिया था, अब फिर मेरा घर छीन रहे हो। तुम्हारा पहला घर बारिश में बह गया और सारा खाना भी साथ ही बह गया था। मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ, तुम लोग यहाँ शौक से रहो, मैं कहीं और रह लूंगी। चिड़िया ने वो घर चील को दिया और वहाँ से चली गई। चील और मादा चील बहुत खुश थे। देखा, हमने कितनी आसानी से अपने लिए घर का बंदोबस्त कर लिया है। तुम तो सच में बहुत शैतान हो। ये घर पहले वाले घर से भी ज्यादा मजबूत है। मगर यहाँ पर खाना नहीं है। कोई बात नहीं, घर मिल गया है, खाने का भी कोई बंदोबस्त हो जाएगा। जब रात हुई, चील और मादा चील आराम से सोए हुए थे तो रानी चींटी की चींटियों वाली फौज ने चील और मादा चील पर हमला कर दिया। अरे, मुझे कोई चील काट रही है। मुझे भी कोई चीज काट रही है और बहुत जोर से काट रही है। यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब हम क्या करें, ये जो भी चीज है हमें खा जाएगी। चलो यहाँ से निकलें और अपनी जान बचाएं। हाँ चलो भागो, मुझे कोई बहुत जोर से काट रहा है। फिर चील और मादा चील जान बचा के अचानक उड़े और अंधेरे में सीधा एक पेड़ के साथ टकरा कर नीचे गिर गए। जब सुबह हुई तो चिड़िया उनके पास गई। अरे चील, आप लोगों को क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो। मनहूस चिड़िया, तुम उस घर में कैसे रह लेती हो। क्या हुआ, मैं तो वहाँ पर ही मजे से रह रही थी। चिड़िया, तुम ही उस घर में रहो, हम नहीं रह सकते। क्या हुआ, आप वो घर क्यों छोड़ रहे हो। कुछ नहीं, वो घर बहुत छोटा है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हाँ चलो चील जी, हम चलते हैं, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। फिर चील और मादा चील वहाँ से चले गए और चिड़िया को उनसे मुक्ति मिल गई। चिड़िया, तुम रात को कहाँ गई थी। मैं रात को सामने पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रही थी कि अभी तक चील और उसकी पत्नी यहाँ से भगाने क्यों नहीं आए हैं। फिर तुमने देखा कैसे दुम दबाकर भागे वो दोनों। हाँ मैंने देखा। चिंटी रानी, आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब बताओ तुम्हारा क्या जरूरी काम था। अरे मेरी दुम में कुछ है, जल्दी देखना क्या है, मुझे तकलीफ हो रही है। ओ तेरी, तुम्हारे पीछे तो कांटे चुभे हुए हैं, उन्हें जल्दी निकालो। इस तरह जालिम को कांटेदार सजा मिली और चिड़िया को उनसे मुक्ति।